गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग। आई हैव अ थैंक यू फॉर द मॉर्निंग। ओके व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन। टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 5। द 5 विल स्टार्ट। ओके चलो बुक ओपन करिए। सभी को स्क्रीन पर बुक दिखाई दे रही है? मैम। ओके यस। चलिए देखते हैं आगे। फन एंड प्ले ओपन करिए। 117 फन एंड प्ले राइटिंग ओपन की। आदर्श रीड करिए। मैम दियर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वी डू फॉर फन। क्या फुल स्टॉप वहां पे रुकना है? स्टॉप बेटा, फुल स्टॉप पे रुकना है। देयर आर लॉट्स Lot of fun, things we do for fun. यहाँ पे ऐसे कई सारे चीजें हैं जो हम आनंद के लिए करते हैं, मजे लाने के लिए ऐसी कई सारी चीजें जो कि हम करते हैं जिससे हमें आनंद आता है। आगे some of us love to play games while others love to While others love to singing and dancing. Sing and dance. Some of us love to play game. हम में से कुछ लोगों को game play करना अच्छा लगता है, खेलना बहुत अच्छा लगता है। While others love to sing and dance. जबकि दूसरे लोग ऐसे होते हैं, कई लोग जिनको गाना गाना और डांस करना नाचना अच्छा लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको खेलना अच्छा लगता है और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको डांस करना और सिंगिंग करना अच्छा लगता है। ओके आगे रीड करिए। Some of us like to be with friends. Others like to visit different places. Stop. Some of us like to be with friends. हमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि फ्रेंड बनाना उनको अच्छा लगता है, अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करते हैं। अदर्स लाइक टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस। और दूसरे ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें अलग अलग प्लेस पे घूमना अच्छा लगता है। ओके आगे। दिस थिंग्स मेक अस हैप्पी एंड ग्लैड। जीएलएडी ग्लैड। ये चीजें जो है मेक अस हमें बनाती है हैप्पी मींस खुश एंड ग्लैड पसंद बनाती है। सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें खुश करती हैं। ओके जिसको जो पसंद होता है अपने खुशी के लिए वही चीज करता है। आगे रीड करिए। अहम आप रीड करिए आगे। यस मैम। आप रीडिंग करिए। मैम देयर से मैम लेट्स से लेट्स रीड आई स्टोरी। लेट यूज रेड Our story. Five friends. How? नहीं। WHO क्या होता है? Who? Yes. Who? Tremendous. आगे बैंड इन एंड पोयम हैप्पी पोयम अबाउट अ बॉय हु लव्स टू प्ले ऑन द स्विंग। लेट्स रीड आ स्टोरी। चलो स्टोरी रीड करते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं। अबाउट फाइव फ्रेंड्स, जो कि फाइव फ्रेंड्स की स्टोरी है, कहानी है, पांच दोस्तों की कहानी है। Who formed a band, जो कि एक ग्रुप बनाते हैं। बैंड मींस होता है ग्रुप।
एंड अ पोएम, और एक पोएम रीड करेंगे अबाउट अ बॉय, एक बॉय की, एक लड़की की है, हु लव्स टू प्ले ऑन द स्विंग. स्विंग मीन्स अहम, स्विंग मीन्स यस मैम, यस मैम. स्विंग मीन्स क्या होता है? Who want to tell? अमर आप बताइए स्विंग मीन्स क्या होता है? स्विंग. आर्यन मिश्रा, अनुष्का जायसवाल वीडियो ऑन करिए. स्विंग मीन्स अमर. यस मैम. क्या होता है स्विंग? क्या स्विंग मैम? झूला. झूला. अच्छा, इसमें से कितने लोगों ने वर्ड मीनिंग राइट कर लिया है? सेंड किए थे वर्ड मीनिंग ना, राइट करने के लिए. चैप्टर 5 का मैम. चैप्टर 5 का. हां, चैप्टर 5 का मैम. हमने जिसने नहीं किया कंप्लीट करके सेंड करेंगे. सभी को राइट करना वर्ड मीनिंग चैप्टर 5 का. ओके, हम लोग एक पोएम रीड करेंगे जो कि बच्ची बॉय की है, एक लड़के की है, हु लव्स टू प्ले ऑन द स्विंग, जिसको झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है. ओके, पहले हम स्टोरी रीड करेंगे द फाइव लिटिल स्टार्स, चैप्टर नंबर 5. देखा सभी को? चलो स्वर्णिमा इसको रीड करो बेटा. मैं कौन करी स्वर्णिमा? Then what is your feet? Typing, fingers, snapping. ऐसी क्या ऐसी क्या चीज है जिसको सुनने से आपके पैर की उंगलियां जो हैं और जो हाथ की उंगलियां हैं सब हिलने लगती हैं? ऐसी क्या चीज? मैम पियानो. पियानो. व्हाट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस, ऑन यू, यू स्टार्ट लिसनिंग टू इट. व्हाट ब्रिंग्स अ स्माइल, क्या है जो कि स्माइल लाती है योर फेस, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाती है. वंस यू स्टार्ट लिसनिंग टू इट, जबकि आप उसको सुनना शुरू करते हो, आपके फेस पे जो है, आपके चेहरे पे स्माइल लाती है, मुस्कुराहट लाती है. What can we hear up at parties and picnics? वह क्या है जो कि आप पार्टी और पिकनिक पे सुन सकते हो? Yes, it is music. क्या है? Music है. Okay. It is music. यह music है. Everyone loves music. सभी को music अच्छा लगता है. जितने भी लोग होते हैं, सभी को music अच्छा लगता है. जी आगे देखते हैं. आधा सर वीडियो ऑन करिए. सर्कल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. अब यहाँ पिक्चर आपको देखना है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसी को आपको सर्कल करना है. पहचान के सर्कल करिए. देवेश तिवारी क्या कर रहे हो? सही से बैठो देवेश. चलिए बताइए यहाँ पे. मैं कौन कर देवेश? मैं माइक कौन किए? चलिए बताइए इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है उसी को सर्कल करना है. मैम ड्रम. ड्रम और तबला. तबला और मैम ये, अरे उसका नेम बताओ क्या है वो. जल्दी बोलिए. आप लोग इसको पहचानना, इसको सर्कल करना, ठीक है?
जैसे इसमें आपको करना है, इसमें इसको करना है, ड्रम को करना है, पियानो, तबला, ओके। राजस वीडियो ऑन करिए। प्लेइंग अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स इज सो मच फन, यू कैन प्ले इट एज वेल एज डांस टू इट्स ट्यून्स। प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने में बहुत ही आनंद आता है। यू कैन प्ले, आप प्ले कर सकते हो इट एज वेल, इसको अच्छे से, एज डांस टू इट्स ट्यून्स, और उसके ट्यून पे डांस भी कर सकते हो, ओके। आप इसको प्ले कर सकते हो, उसके ट्यून पे डांस भी कर सकते हो। अब यहां से आपका स्टोरी स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जंक्शन, द फाइव लिटिल स्टार्स, पांच छोटे तारे, जहां पे बॉय है उन्होंने अपने ग्रुप का नेम दिया है द फाइव लिटिल स्टार्स, ओके। फाइव फ्रेंड्स हैं जो कि ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप का नेम देते हैं द फाइव लिटिल स्टार्स। सबको आवाज जा रही है? यस मैम। ओके, अब देखते हैं फाइव लिटिल स्टार्स की स्टोरी क्या है, कहानी क्या है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल नेम डॉली। एक समय की बात है, यहाँ पे एक लड़की थी, उसका नेम क्या था? डॉली। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल नेम डॉली। एक समय की बात है, एक लड़की थी, उसका नाम क्या था? डॉली। शी लव्स लव टू प्ले द ड्रम, डम डम डम। उसे ड्रम बजाना अच्छा लगता था, वह ड्रम प्ले करती थी। ड्रम की आवाज कैसी होती है मैम? डम 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 डम। सी हैड फोर फ्रेंड्स। पांच चार फ्रेंड्स थे, चार दोस्त थे। कौन कौन? समीर, राहुल, समीर, सनाया एंड सिद्धांत, ओके। उसके फ्रेंड का नाम था राहुल, समीर, सनाया और सिद्धांत। आवाज जा रही सभी को? अब देखते हैं उसके फ्रेंड को क्या करना अच्छा लगता था। समीर लव टू प्ले द कीबोर्ड, पिंग पोंग पिंग। समीर लव टू प्ले द कीबोर्ड, समीर को क्या अच्छा लगता था? किससे खेलना? कीबोर्ड के साथ प्ले करना समीर को अच्छा लगता था। उसकी आवाज कैसी होती थी? पिंग पोंग पिंग, ओके। सनाया को अच्छा लगता था? सनाया लव टू सिंग ला ला ला। सनाया को गाना गाना अच्छा लगता था, ओके। जो उसकी सनाया, जो उसकी फ्रेंड थी डॉली की, उसको जो है गाना गाना अच्छा लगता था, सिंग करती थी। सिद्धांत लव टू प्ले द वायलिन, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। सिद्धांत जो है वायलिन को प्ले करता था, उसकी आवाज थी स्ट्रिंग स्ट्रिंग। द फाइव ऑफ देम फॉर्म्ड अ बैंड। ये फाइव जो है मिलके एक बैंड बनाया, एक ग्रुप बनाया, ओके। पांचों ने मिलके एक ग्रुप बनाया। दे कॉल देमसेल्फ द फाइव लिटिल स्टार्स। उन्होंने अपने आप को क्या नेम दिया, अपने ग्रुप को क्या नेम दिया? द फाइव लिटिल स्टार्स, ओके। ये पांचों जो फ्रेंड्स थे कौन कौन? राहुल, समीर, सनाया एंड सिद्धांत, डॉली। ये सभी ने फाइव फ्रेंड्स जो है, इन्होंने अपने आप को फाइव लिटिल स्टार्स नेम से ग्रुप दिया, ओके। अपने आप को फाइव लिटिल स्टार माना, ठीक है। आवाज जा रही सभी को? यस मैम। ओके, सभी को इतना आ गया समझ में? यस और नो? यस मैम। तो इतना पूरा समझ में आ गया, इतना पैराग्राफ अपना हैंड शो करेंगे। सौरभ सैनी को आ गया है समझ में, महिमा को भी आ गया है, अमर सोनीमा को भी आ गया है, दिलीप तिवारी को भी समझ में आ गया, ओके। विशेष मेरा वीडियो ऑन करिए, विशेष, आर्यन, आदर्श, आप तीनों वीडियो ऑन करिए, ओके। चलिए आगे देखते हैं। Do you play at any instrument? Would you like to learn to play one?
Do you play at an instrument? क्या आपने कभी कोई इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया है? किया कि नहीं? मैम नो किया है। नहीं किया? आपने ड्रम कभी नहीं बजाया है? वायलिन कभी नहीं प्ले किया है? नो मैम। फ्लूट? नो मैम। फ्लूट भी नहीं बजाई है कभी आपने? नो मैम। बांसुरी नहीं बजाई है? मैम बजाए हैं। बजाए हैं। इंस्ट्रूमेंट ही है? आपने क्या प्ले किया है? देवेश तिवारी माइक ऑन करिए, चलिए आप बताइए आपने क्या प्ले किया है। मैम ड्रम प्ले किए हैं, मैम बांसुरी बजाए हैं, और मैम तबला बजाए हैं। तबला भी बजाए हो, गुड। ढोलक? ढोलक बजाए हो कि नहीं? नो मैम। नहीं बजाए? नो मैम। ओके, कोई बात नहीं। चलिए विशेष आप बताइए आपने क्या प्ले किया है। विशेष माइक ऑन करिए। विशेष लिया बताइए आपने क्या, कौन से इंस्ट्रूमेंट को आपने प्ले किया है? मैम बांसुरी। बांसुरी और मैम और ड्रम। ड्रम प्ले किया आपने। सौरभ सैनी आप बताइए। सौरभ सैनी चलिए आप बताइए आपने क्या प्ले किया है? मैम बांसुरी। बांसुरी प्ले किया आपने। आदर्श सिंह बेटा वीडियो ऑन करिए, माइक भी ऑन करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, ना ही आपका वीडियो दिख रहा है। बेटा आपके नेटवर्क प्रॉब्लम, इसलिए आप कहीं अलग जाके नेटवर्क हो, आवाज नहीं क्लियर हो रही है। अनुष्का बेटा वीडियो ऑन करिए, चलिए आप बताइए आपने क्या प्ले किया है। महिमा आपने क्या प्ले किया? आपका तो हो गया। चलिए आगे देखते हैं आप। चलिए रीड करिए। सॉरी मैम। यस मैम। यहाँ से रीडिंग करिए। वन डे मैम 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 वन डे डॉली एंड हियर फ्रेंड आर 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 फ्रेंड वन फ्रेंड नहीं फ्रेंड फ्रेंड वन टू अपार्क द एनिमल एंड वांट नहीं राइट है यहाँ पे वेंट 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 टू अ पार्क द एनिमल एंड द बर्ड लुक्ड सैड। ओके स्टॉप। वन डे मिस आदर सिंह बेटा वन डे मिस क्या होता है? मैम वन डे मिस एक दिन। वन डे डॉली एंड हर फ्रेंड्स वेंट टू अ पार्क। एक दिन डॉली और उसके दोस्त कहां पर गए? एक पार्क में गए। द एनिमल्स एंड द बर्ड्स लुक्ड सैड। वहां पे जितने भी जानवर थे, जितने भी पक्षी थे, सभी दुखी दिख रहे थे। ओके पार्क में जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी बर्ड्स थे, सभी सैड थे। द पीपल इन द पार्क लुक्ड सैड टू। और वहां पे जितने भी लोग थे वो भी दुखी दिख रहे थे, वो भी सैड थे। जितने भी लोग वहां पार्क में थे सभी सैड थे, दुखी थे। चलिए आगे रीड करिए। आदर्श सिंह आई लिटिल स्टार्ट आउट ऑफ अ प्लेन दे स्टार्टिंग सिंगिंग एंड प्लेइंग इन द पार्क व्हेन दे प्लेइंग म्यूजिक एंड लिटिल बर्ड्स ऑन द ट्री बिगिन टू ट्रिप The peacock spread its feather and danced the squirrel rain around and tree and had full feather and danced the squirrel
the squirrel ran around the tree and had fun. The people in the park enjoyed the song and danced to the music. The five little stars both smiled to the unhappy face in the park. They had a lot of fun. The five little stars thought of a plan. जो five little stars थे, उन्होंने plan सोचा, एक idea जो है सोचा. जब वो पार्क में पहुंचे, देखा पार्क में जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी बर्ड्स थे, जितने भी पीपल थे, सभी लोग सैड थे, सब दुखी दिख रहे थे. तो उन्होंने क्या एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई. दे स्टार्टेड सिंगिंग एंड प्लेइंग इन द पार्क. वे लोगों ने उन्होंने क्या शुरू कर दिया, सिंगिंग करना और प्लेइंग करना पार्क में. वे सभी जो फाइव लिटिल स्टार थे गाना गाना और खेलना शुरू कर दिया. When they played music, जब उन्होंने म्यूजिक बजाया, the little birds on the trees began to chirp. अब जितने पेड़ पे जितने पक्षी थे, जितने छोटी छोटी चिड़िया थी, सभी ने क्या करना शुरू कर दिया, चहचहाना शुरू कर दिया. उनके म्यूजिक बजाने से जितने भी पक्षी थे सभी चहचहाने लगे पेड़ों बैठकर. ओके, पेड़ पे बैठे थे, बैठते हुए चहचहाने लगे. Peacock spread its feathers. Peacock means one more. Peacock क्या किया, फैलाया. पंख को फैलाया. It's feathers. Feathers means होता पंख. Peacock ने अपने पंखों को फैलाया and danced और डांस करने लगा. अपने पंखों को फैलाकर और डांस करने लगा, नाचने लगा. The squirrels ran around tree and had fun. जो गिलहरी थी वहां पर, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पेड़ों के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया और मजे लेने लगी. The people in the park enjoyed the song. अब उसमें पार्क में जितने भी लोग थे सभी ने सॉन्ग का एंजॉय लेना शुरू किया एंड डांस टू द म्यूजिक. और जो म्यूजिक बज रही थी उस पर डांस करना शुरू कर दिया. द फाइव लिटिल स्टार्स ब्रॉट स्माइल्स टू द अनहैप्पी फेसेस. जो फाइव लिटिल स्टार थे उन्होंने जल्दी ही सभी के चेहरों पर, सभी के दुखी चेहरों पर मुस्कुराहट ला दिया. ओके, सभी लोग हंसने लगे. दे हैड अ लॉट ऑफ फन. अब उनके पास ढेर सारे मजे थे. ओके, जो फाइव लिटिल स्टार थे जल्दी ही उन सभी ने मिलकर पार्क में जितने भी लोग थे, जितने भी पक्षी थे, एनिमल्स थे, जानवर जितने भी थे, सभी के चेहरे पर फाइव लिटिल स्टार ने क्या ला दिया, मुस्कुराहट ला दिया, स्माइल ला दिया. ओके, अब सभी मिलके आनंद लेने लगे पार्क में. आए सभी को समझ में? यस सर. सभी को आ गया समझ में पैराग्राफ? ओके, किसको नहीं आया अभी, हैंड शो करिए. समझ में नहीं आया होगा, अपना हैंड शो करेंगे. सभी को आ गया है? ओके, किसी को पूछना है कुछ में से? नो मैम. जितने भी बस फिनिश राइट किया, बस फिनिश राइट करके सेंड कर देंगे. ओके, उसके बाद से फिर कुछ आंसर डिस्कस करेंगे. किसने रीड किया? चलिए माइक ऑन करिए. रौनक ऑन द माइक. चलिए रीड करिए यहाँ से. रौनक यहाँ से रीडिंग करिए. यहाँ से रीड करिए. One dolly and a friend went to a park. The animals and the birds looked sad.
आगे द पीपल इन द पार्क लाइक दैट टू द फाइव लिटिल स्टार आउट ऑफ अ प्लान यर स्टार स्विंग एंड प्ले इन इन द पार्क ओके स्टॉप अनुष्का स्टॉप अनुष्का ऑन द माइक बेटा उसका माइक ऑन करिए आवाज नहीं जा रही है आपको सौरभ साइनी ऑन द माइक मैम ऑन है आप अपडेट करिए व्हेन दे प्लेड म्यूजिक When they play music, the little birds on tree. The little birds on the tree begin to chirp. आवाज़ ही नहीं आपकी सही थी, भी सही थी। They play. Okay, आवाज क्लियर नहीं हो रही है चलिए आप रीड करिए देश तिवारी देवेश माइक ऑन करिए बेटा देवेश आवाज आ रही है आपको सॉरी माँ चलिए आप रीड करिए चलिए आप यहाँ से रीडिंग करिए मैम व्हेन दे व्हेन दे प्लेड म्यूजिक बर्ड ऑन द ट्री बिगन टू हैप्पी का अपोजिट होगा अनहैप्पी
पार्क में जितने भी लोग थे दुखी थे ना, अनहैप्पी थे, फाइनली स्टार ने मिलके उन सभी को हैप्पी कर दिया। ओके, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी जितने भी लोग थे पार्क में। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज क्या है। लेट्स फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द स्टोरी, टिक द करेक्ट आंसर्स आंसर फॉर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस। यहाँ जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, इसको रीड करना और जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको टिक करना। फर्स्ट है, व्हाट साउंड डिड डॉलीज ड्रम मेक, जो डॉली ड्रम प्ले करती थी उसका ड्रम क्या साउंड बनाता था, उसके ड्रम से कौन सा साउंड निकलता था, डम डम डम, ट्रम 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 या ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, क्या सही होगा इसमें? मैम डम 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 डम, कितनी बार बोल रहे डम 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 डम। आगे देखते हैं, हु प्लेड द वायलिन, वायलिन कौन प्ले करता था, राहुल, समीर, सिद्धांत। वायलिन कौन प्ले करता था, प्लेड द वायलिन, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नहीं सिद्धांत है। ओके, आप बताइए रौनक, रौनक पासवान ऑन द माइक, समीर प्ले करता था। आप इसको फिर से रीड करना स्टोरी, मैं आप बताइए, मैं ऑन द माइक, सिद्धांत, सिद्धांत। ओके, What did the scholars do when Dolly and her friends played music? स्कॉलर ने क्या करना शुरू किया जब Dolly और उसके फ्रेंड्स ने, उसके दोस्तों ने म्यूजिक करना शुरू किया, तो स्कॉलर ने क्या शुरू किया, आवाज सुनते ही स्कॉलर ने क्या करना शुरू कर दिया, यादव बोलिए इसका आंसर क्या? मैम रेन है, रेन, मैम रेन है। ओके, व्हाट इज द बैंड मेंबर्स कॉल्ड देमसेल्फ, बैंड के मेंबर्स थे ग्रुप के जितने भी लोग थे उन्होंने अपने आप को क्या कहा, द वंडरफुल स्टार, द फोर लिटिल स्टार, द फाइव लिटिल स्टार्स।
ओके गुड बाय स्टूडेंट मैम बाय बाय गुड बाय गुड बाय बेटा गुड बाय किसी को गुड बाय मैम ओके गुड बाय 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 गुड